चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में चार दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उसे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला किया है। ये सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची, तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान किया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है, और इंद्रदेव ये देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये आग मायावी है, इसीलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ये मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं, और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना बहुत जरूरी है।